आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में और हाजिर हूँ आपके साथ व्यापारिक चैनल एक और चार का चक्रव्यूह, जहाँ बात होती है चार बड़ी खबरों की। तो शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं चार तस्वीरों के साथ। चार तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर देश भर में आज कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर है। दरअसल कांग्रेस आज जासूसी कांड को लेकर विरोध कर रही है। दूसरी बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई है। आज से किसानों की जनता मंत्र पर संसद शुरू हो गई है। वहीं तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां सिद्धू के विधायक सीआईटी की रफ्तार पर आ गए हैं। चौथी बड़ी खबर बच्चों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, अब तमाम राज्य स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले पहली खबर से कर लेते हैं। बेकागज जासूसी कांड को लेकर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने देश भर के हर प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर हर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को कांग्रेस देश के अलग अलग हिस्सों में इस मसले पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और राजभवनों तक मार्च भी किया जा रहा है। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया है। यहाँ विधायक आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। इससे तब बुधवार को कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र से सवाल किया कि जब फ्रांस से इस मामले की जांच हो सकती है तो भारत भी क्यों नहीं कराई जा सकती। साथ ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि जासूसी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा भी कराई जाए और एक विदेशी कंपनी के माध्यम से मैलवेयर सॉफ्टवेयर से बहुत से लोगों का फोन हैक करके गैर कानूनी तरीके से जानकारियां जुटाई गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया है। बेकागज स्पाईवेयर द्वारा जासूसी करवाने का मामला बहुत बड़ा मामला है। ये केवल जासूसी के बारे में ही नहीं है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि आज मेरा फोन हैक हुआ है, कल आपका हो सकता है। हमने तो मुद्दा संस्थागत बनाया है और इसमें बीजेपी और कांग्रेस वाली बात नहीं है। जब फ्रांस में जांच बिठा दी गई है तो यहाँ क्यों नहीं। हमारी पार्टी मांग करती है कि इस मामले की जांच एक सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा की जानी चाहिए। साथ ही इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक भी देखी गई। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में परिवर्तन चौक से लेकर राजभवन तक प्रदर्शन करने जा रहे थे। वो राज्यपाल को मामले पर ज्ञापन भी सौंपने वाले थे। साथ ही गिरफ्तारी पर अजय कुमार लल्लू ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार विपक्षी दलों के नेताओं की निजता के अधिकार का बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर रही है। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर चाका डालना अन्याय है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के दमन के खिलाफ संघर्ष से बीच में नहीं हटेगी। प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों के इशारे पर निष्ठा पर हमला हो रहा है। लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी की जाति सूख रही है। अपने ही मंत्रिमंडल के मंत्रियों की जो है बहुत गंभीर विषय है और इसीलिए राष्ट्र के सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस से आह्वान किया है कि आज के दिन में पूछ करने का काम करेगा। इसलिए सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहिए, देश के गृहमंत्री से लेकिन उनमें जरा सा भी नैतिकता बची हुई है तो उन्हें दे देना चाहिए। अन्यथा कांग्रेस लंबे समय तक लड़ने के लिए पूरी करेगी। लोकतंत्र में जिस तरीके से विपक्ष की आवाज समाने की सरकार काम कर रही है, लोकतंत्र में क्या अधिकार है विपक्ष को अपनी बात कहने को। आप जिस तरीके से मीडिया चलाने को डरा रहे हैं, लगे हुए राजधानी में जिस तरीके से सरकार का दुरुपयोग कर रही है,
ये लोग तक के लिए तैयार करें। इनके लिए सभी आपको वापसी कराई होगी, सत्ता तक का जो उपयोग करते हैं, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार, पत्रकारों को अपनी बात कहने का अधिकार, आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस में डरी है, न डरे कि हम लड़े और लड़ेंगे, जो अधिकार आपको संविधान पूर्ति देता है वो संविधान विपक्ष को आवाज अपनी कहने का अधिकार देता है। आज मीडिया को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, सब बोलने की सजा दी जा रही है। हम निश्चित तौर पर मीडिया को अनुमति तरीके से अखबार समाचार अधिकार और सभी लोग आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, डरेंगे नहीं, हम डरेंगे आप लाख मुकदमे लड़ेंगे। और कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का आज से नया पड़ाव शुरू हो गया है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा किसान संसद की शुरुआत कर दी गई है। किसान संगठनों के मुताबिक जब तक संसद का मानसून सत्र जारी रहेगा वो हर रोज यहाँ पर ऐसे ही किसान संसद बताएंगे। सिंगूर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भर कर किसानों का जत्था जंतर मंतर पर पहुँच चुका है। दिल्ली पुलिस के द्वारा सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ही किसान यहां पर प्रदर्शन कर सकेंगे। जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहां पर अपनी आवाज उठाएंगे, विपक्ष को सदन के अंदर हमारी आवाज बनना चाहिए। जंतर मंतर पर जारी किसानों की संसद में पंजाबी फिल्म अभिनेत्री सोनिया मान भी पहुंची। उन्होंने कहा कि हमारी मुहिम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना है और संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही किसान नेता शिव कुमार के मुताबिक किसान संसद में 3 डिप्टी स्पीकर भी बनाए गए हैं और हर किसी को 90 मिनट का वक्त भी मिला है। एक स्पीकर के साथ एक डिप्टी स्पीकर भी मौजूद रहेगा। साथ ही प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद योगेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस द्वारा एक बार फिर बसों की चेकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को जंतर मंतर तक पहुंचने में दिक्कत हुई है। साथ ही अन्य किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली पुलिस और सरकार बार बार अपने वादे से मुकर रही है और किसानों को रास्ते में परेशान किया जा रहा है। कल किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम पहले भी बात करते रहे हैं और मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है। सांसद हो, प्रधानमंत्री जी हो, किसानों की बात सुन रहे हैं। सावन का महीना आ गया और जो है नागरिक जो शत्रु का जाप करता है, हमारी खुद में हमें अग्नि प्रचंड हो चुकी है। खाली ये न समझे दिमाग सही करता है सांसद जी और ये मंत्री जी कि भारत में सर्व संविधान में आजादी दी है, सबको आजादी है, चुनाव लड़ने की लड़ाने की हक देने की। तो ये संसद के बाहर आज 200 किसान है, अंदर भी बैठने का काम करेंगे। अगर ये सही नहीं चले अपने काम को, इन तीनों बिल वापस नहीं मिले, गारंटी के कानून नहीं बनाया, तो हम जो इसका आह्वान करने के बाद संसद के बाहर से हमारे किसान नेता है राकेश टिकैत और सभी 200 जितने बच्चों से जो किसान गए हैं उसको वह भगवान मनोबल दे और आज जो संसद में बात रखी जाएगी उन सांसदों को संबोधित करें। और पंजाब में कांग्रेस को नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में नया कैप्टन तो मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद अमरिंदर सरकार से सिद्धू की तकरार थमती नजर नहीं आ रही है। एक और पीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की शर्त रखी है, तो वहीं दूसरी ओर अब सिद्धू के शक्ति प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के कई विधायक सीआईटी की रडार पर भी बताए जा रहे हैं। इसमें से कई विधायक ऐसे हैं जिन पर पहले अवैध खनन और अवैध शराब के धंधे के शामिल होने के आरोप लग चुके हैं।
बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों ने कैप्टन से इस मामले में मदद भी मांगी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। सूत्रों का कहना है कि इन विधायकों पर पंजाब सीआईडी की नजर है। साथ ही सिद्धू के साथ स्वर्ण मंदिर में 48 विधायक भी पहुंचे थे, इनमें से 3 विधायक आम आदमी पार्टी से भी थे। साथ ही सूत्रों ने बताया कि कुछ विधायक और कुछ उनके सहयोगी जो कि सिद्धू के साथ थे, उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन नेताओं के बारे में उस 3 सदस्यों के पैनल को भी बताया था जिसे कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब कांग्रेस संकट खत्म करने के लिए बनाया था। वही सीआईडी की नजर जिन विधायकों पर है उनमें से एक होशियारपुर इलाके से है, उनको अवैध खनन का आरोप है उन पर, जिसके लिए दिसंबर 2020 को 1 करोड़ से ज्यादा का नोटिस भी भेजा गया था। वही दूसरी तरफ पंजाब प्रदेश के नए कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और 4 पीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष की ओर से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ विवाद सुलझाने की कोशिश कर दी गई है। सिद्धू शुक्रवार के कार्यक्रम के लिए कैप्टन अमरिंदर को आमंत्रित भी करेंगे और वो औपचारिक रूप से पीसीसी प्रमुख के रूप में कार्यभार भी संभालेंगे। साथ ही सिद्धू मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की जगह भी लेंगे। वही सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच पिछले कुछ समय से तकरार चल रही है। मुख्यमंत्री राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सिद्धू की नियुक्ति के खिलाफ थे और सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो उनसे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि सिद्धू के खिलाफ अपने अपमानजनक ट्वीट के लिए माफी नहीं मांगते। साथ ही पार्टी के एक नेता ने बुधवार को अमृतसर में संवाददाताओं से कहा था कि मुख्यमंत्री से इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध भी किया जाएगा। तो बता दें कल सिद्धू जो है पदभार संवारेंगे और शपथ भी ले सकते हैं और ऐसे में अब सिद्धू के जो विधायक हैं उन पर सीआईडी की नजर दिख रही है। सीआईडी की रडार पर सिद्धू के कई विधायक हैं। दरअसल कल सिद्धू ने शक्ति प्रदर्शन किया था, स्वर्ण मंदिर को पहुंचे थे और उसके बाद उनके साथ जो वहां पर विधायक पहुंचे थे, कहा जा रहा है कि उन विधायकों अब वो विधायक सीआईडी की रडार पर आ गए हैं। कई गंभीर आरोप उन पर लग रहे हैं, अवैध खनन से लेकर कई आरोप उन विधायकों पर लग रहे हैं। साथ ही वही अमरिंदर भी सिद्धू को पद दिए जाने से खुश नहीं नजर आ रहे हैं और साथ ही कल के प्रोग्राम के लिए सिद्धू की तरफ से अमरिंदर को भी न्योता भेजा जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि सिद्धू अमरिंदर की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है वो उसे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो उनसे माफी नहीं मांग लेते और जब तक वो सिद्धू उनके खिलाफ अपने अपमानजनक ट्वीट के लिए माफी नहीं मांग लेते अमरिंदर तब से मुलाकात नहीं करेंगे। साथ ही पार्टी के नेता ने कहा था बुधवार को कि अमृतसर में संवाददाताओं से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री से कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम कल होने वाला है और ऐसे में सबसे बड़े सवाल यही है कि क्या उनका कैप्टन अमरिंदर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं होंगे। वो पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ जासूसी दस्तावेज लोगों से खोल कर रही है, उसको कोई लेना देना नहीं। इतना बड़ा जनादेश देश की जनता ने नौजवानों के किसानों ने दिया, लेकिन परिणाम क्या? और पंजाब में तो सभी ने देखा कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के मिलकर पंजाब को नशा प्रदेश बना दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के नेतृत्व में पंजाब तेज गति से विकास कर रहा है और भविष्य में भी हम आगे दोबारा सरकार कांग्रेस के कारण जो आज इन दिनों पंजाब की है वही राजस्थान की है। कांग्रेस अपने अंदरूनी कला प्रवेश की वजह से ही सिमटती उसकी पूर्ति जाती है। दूसरी उसकी मार्केट में झूठ फैलाने की झूठी राजनीति कर रही है कि आरोप लगा सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ हमेशा भाजपा के पीछे पड़े रहना, मोदी जी के पीछे पड़ा रहना और अमित शाह जी के पीछे पड़ा रहना। सिर्फ इनको ये भी काम आता है कि अगर ये अपनी पार्टी में नाम काम करते हैं ना अपने आप को आगे बढ़ाने की किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए। इसी वजह से ये भी मानसिकता के कारण सिर्फ आरोप की राजनीति आज तक करते हैं, जिस कारण ये भी समझ के कारण पंजाब में इलेक्शन आने वाले उसमें भी साफ देखा जा सकता है। जो कुलपति में कैप्टन साहब का ग्रुप बना दिया, नवजोत सिंह का ग्रुप बना दिया, नवजोत सिंह सिद्धू
कोई किसी और पार्टी के कांग्रेस में आता है, फिर कांग्रेस में भी आगे और पार्टी में जाने के लिए आपको धमकी देता है, उसको सिर्फ इन धमकियों के आधार पर पद दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है ये राजनीति जो है ये ज्यादा दिन चलने वाली राजनीति है, ये कांग्रेस के आपसी पदार्थ देख चुके हैं और दोनों खोखले हो चुकी है कांग्रेस। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा मोदी जी को घेरने का प्रयास करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमेशा ब्लेम गेम की राजनीति, आरोप वाली राजनीति करते हैं। उन्होंने कभी देश के लिए कोई युक्ति ऐसा काम नहीं किया जिसको अधिक ही कोरोना काल में, कोरोना काल जो कभी आज तक उससे पहले कभी किया है, कोई व्यक्ति व्यक्ति नहीं बनाया गया और इस काल में आज तक किसी हिंदुस्तानी को आज से पहले जब तक आया है कोई हिंदुस्तानी कहीं घुस जाता था किसी भी उनके देश में, देश की नीति भी कभी कोई ये नहीं चाहता था, कोई एरोप्लेन ले ले किसी एक नागरिक को भी चाहता था नहीं। लेकिन आज हमारे शासन काल में, मोदी जी के शासन काल में, अगर हमारे नागरिक को नहीं पता है कोरोना की वजह से या कुछ भी है, हमारे यहाँ से मोदी सरकार उसको हिला देगा इंतजाम करती है। चाहे हम पूरे हिंदुस्तानी कहीं भी पूरे दुनिया में किसी भी कोने में पता वहां फैलाने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने फ्री में वैक्सीनेशन दिया है, वो बहुत जल्दी मात्र एक साल के अंदर 6 से 8 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन बनाई देश में, जिसमें लोगों ने तो गुमराह किया ये भाजपा की बनाई वैक्सीन है, मत लगाओ मत लगाओ, लेकिन मोदी जी ने संकल्प कर रखा था हमने वैक्सीन जल्द से जल्द बनवानी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद एक बार फिर से तमाम राज्य अब स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं और वो भी ऐसे समय में जब देश कोरोना की तीसरी लहर की चौखट पर चला गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि जब तक राज्य में पूरी आबादी को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के फैसले को स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह चुनौती दे रहे हैं। दरअसल भारत में हुए चौखट देश व्यापी सीरो सर्वे से पता चला है कि 6 से 9 साल के 87% बच्चों में एंटीबॉडी फ्री है, वही 10 से 17 साल के 62% बच्चों में एंटीबॉडी फ्री है। इस आधार पर तर्क दिया जा रहा है कि अब भारत में प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। बता दें भारत में ज्यादातर राज्यों में प्राइमरी स्कूल पिछले 7 मार्च से ही बंद है और 9वीं 10वीं से लेकर 12वीं की कक्षा के छात्रों के लिए किसी किसी राज्य ने थोड़ी छूट दी थी, लेकिन प्राइमरी कक्षा के छात्रों को वो मौका पिछले 1 साल से नहीं मिला है। वही तीसरी लहर के डर के बीच ICMR के सीरो सर्वे की जानकारी अभिभावकों की तरफ से मिली जुली प्रतिक्रिया लेकर आई है। स्कूल खोलने के मुद्दे पर लोकल सर्च नाम के कम्युनिटी सोशल प्लेटफॉर्म ने भारत के 19,000 अभिभावकों पर एक सर्वे किया था। जून में हुए सर्वे में 76% अभिभावकों ने कहा कि जो अपने बच्चों को स्कूल तब तक नहीं भेजना चाहते जब तक उनको वैक्सीन न लग जाए। महामारी के दौरान विश्व के कई देशों ने प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए स्कूल खोल रखा है, वहाँ बच्चों को महामारी से ज्यादा खतरा नहीं हुआ। आज भी दुनिया के 70 देशों में स्कूल खोले हुए हैं और बच्चों में COVID-19 का इन्फेक्शन बीमारी गंभीर रूप नहीं लेती है। कुछ स्टडीज ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें पता चला है कि बच्चों को COVID-19 के मुकाबले ज्यादा खतरा सीजनल फ्लू की वजह से है। वहीं अमेरिका के सरकार सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इसी साल फरवरी में कहा था कि टीचर्स को वैक्सीन लगाना स्कूल खोलने की पहली शर्त होनी चाहिए। वैक्सीन अभी दुनिया के किसी देश में 11 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाई जा रही है, न ही इसके लिए लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू की गई है। यानी प्रक्रिया अगर मान लीजिए आज से शुरू होगी तो 1 साल से पहले 11 साल तक के बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। वहीं बच्चों की वैक्सीन के बारे में अभी ये पुख्ता तौर पर पता भी नहीं है कि COVID-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन की जरूरत है या नहीं। इतना ही नहीं, दिल्ली के कुछ स्लम क्लस्टर में बच्चों में 80-90% एंटीबॉडीज पाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे 55-60% के बीच है। ये वो वैज्ञानिक तर्क है जिनके आधार पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का हर सही वक्त आ गया है। उनका कहना है कि 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए पहले स्कूल खोलने का तर्क वैज्ञानिक आधार पर सही नहीं है। शुरुआत प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों से की जानी चाहिए क्योंकि वहाँ खतरा कम है, लेकिन अभिभावकों के स्कूल खोलने पर क्या राय है आप भी सुनिए। तो बता दें अभी सुनाएंगे आपको अभिभावकों के स्कूल खोलने पर क्या राय है, लेकिन उसके बाद बता दें लगातार जब कोरोना की दूसरी लहर के बाद मामले
ऐसे में लगातार स्कूल तमाम राज्य खोलने का फैसला ले रहे हैं और कहीं ना कहीं सीरो सर्वे में ये चीज सामने आई है कि बहुत सारे प्रतिशत बच्चों में एंटीबॉडीज बन चुकी है। लेकिन नई दिल्ली की बात करें तो वहाँ कुछ स्लम क्लस्टर में बच्चों में 80-90% एंटीबॉडीज अभी भी पाई गई है और राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो वहाँ आंकड़ा 55-60% के बीच है। ये वो वैज्ञानिक तर्क है जिनके आधार पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का भारत में सभी वक्त आ चुका है। दरअसल उनका कहना है कि 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए पहले स्कूल खोलने का तर्क वैज्ञानिक आधार पर सही नहीं है और शुरुआत प्री प्राइमरी प्राइमरी और मिडिल स्कूल से बच्चों से की जानी चाहिए क्योंकि वहाँ खतरा कम होता है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए अभिभावकों की तो अभिभावक इसके समर्थन में नहीं है। दरअसल अभिभावकों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। साथ ही सीरो सर्वे भी किया गया है जिसमें बच्चों में एंटीबॉडीज बनने की बात भी सामने आई है। लगातार कोरोना की तीसरी लहर के जब हम चौकट पर खड़े हैं तो ऐसे में तमाम राज्य जो है वो स्कूल खोलने का फैसला ले रहे हैं और तमाम राज्य जो है ये कह रहे हैं कि अब स्कूल जो है 9वीं से 12वीं के लिए कक्षा के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश के अभी भी बता रहे दुनिया के 170 देश अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर प्राइमरी स्कूल खुले हुए हैं। लगातार तीसरी लहर की चौकट पर हम खड़े हैं और इससे पहले भी फैसला लिया जा रहा है। हालांकि पिछले 1.5 साल से प्राइमरी स्कूल बंद है और ऐसे में कई राज्य ऐसे थे जहां पर 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल तो खोल दिए गए थे लेकिन छूट दी गई थी और कुछ 50% बच्चों के साथ ही इजाजत दी गई थी। लेकिन अब विचार जो किया जा रहा है वो प्राइमरी स्कूलों को खोलने पर किया जा रहा है। दरअसल प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पिछले 1.5 साल से मौका नहीं मिलता है स्कूल जाने का और वही तीसरी लहर के डर के बीच ICMR के सीनियर सर्वे की जानकारी अभिभावकों की तरफ से मिली जुली प्रतिक्रिया लेकर आई है। दरअसल स्कूल खोलने के मुद्दे पर लोकल सर्कल्स नाम की कम्युनिटी सोशल प्लेटफॉर्म ने भारत के 19,000 अभिभावकों का एक सर्वे भी किया था जिसमें ये कहा गया था अभिभावकों की तरफ से कि वो कब तक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक पूरी तरह बच्चों को वैक्सीन नहीं लग सकती है। अपना समाज स्वस्थ रहे, अपने शरीर का भी कुछ
किसी लैग उत्पाद शुरू हो गई है किसी भी सरकार या मंशा बना रही है बच्चों के स्कूल खोल दिए हैं क्योंकि लंबे समय से बच्चों को स्कूल बंद पड़ेगा ऑनलाइन क्लासेस कितनी सक्सेसफुल नहीं हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार की जो मंशा है कितनी सही और कितनी गलत है, लोगों का क्या मानना है। देखिए ये तीसरी लहर के मद्देनजर रखते हुए मेरा अपना मानना ये है कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन विद्या बच्चों की शिक्षा के लिए, तो अगर 11 साल बच्चे घर में भी रह रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा। लिहाजा मेरा तो मानना ये है कि कोरोना संक्रमण काल का पूरी तरह पालन किया जाए और पूरी तरह पालन करने के साथ साथ जो है मानवीय जीवन को बचाने की कोशिश। आपका क्या मानना? अभी तो स्कूल होना बिल्कुल चाहिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए लहर आगे भी भाई उनकी पढ़ाई लिखाई में भी उनको संपात भी हो सकती है लेकिन अभी उनको स्कूल नहीं। बच्चों के जीवन से बढ़कर शिक्षा नहीं है, इस बात को लेकर लोग यहाँ पर मान भी रहा हूँ तो और भी लोग मुझे बात करते हैं कि किस तरह का निकल हमारा तो इनको कहना है कि टेस्टिंग जो बच्चे ऊपर हो रही है स्कूल खोला जाए, देखिए संख्या बंद होनी चाहिए, पहले उनके ऊपर टेस्टिंग करके पहले संख्या बंद हो जाए उनको लाइए फिर बाद में बच्चों के स्कूल खोलिए क्योंकि मानव जीवन से बढ़कर कोई नहीं। सर ये भी बात सही है, आप अभी जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना नहीं होता है, हमारे बच्चों के लिए कोरोना दुनिया भर की सारी बात होती है, सबसे पहले बिना सवाल होनी चाहिए सरकार की मंशा पहली और दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर का भी दोनों में बकायदा दल बना हुआ है। व्यापार से लेकर शिक्षा तक कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसको कोरोना ने अपना किया हो, ऐसे में इस बार सवाल बचता है कि जो बच्चों की शिक्षा है उसको लेकर सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। जिस तरह से लगातार बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है ऐसे में जो अभिभावक है उनकी चिंता बनी हुई है कि बच्चों की पढ़ाई को आगे सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जिनसे हम जानेंगे कि बच्चों की शिक्षा को लेकर आने वाली जो कोरोना की तीसरी लहर है उसमें स्कूल कॉलेजों को कैसे खोला जाए। क्या नाम है आपका? प्रशांत जी, जिस तरह से अब तीसरी लहर में आने वाली है और बच्चों की जो पढ़ाई है वो रुकी हुई है, आपको क्या लगता है कि बच्चों की पढ़ाई को चलाया जाना चाहिए स्कूल कॉलेज में? कैसा है जब तक वैक्सीन बच्चों के नहीं रखती है जब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो जिम्मेवार होगी कि अगर कोई बीमारी हो जाती तो तमाम गाइडलाइन में आपको लगता है उन गाइडलाइन के हिसाब से स्कूलों में खोला जाना चाहिए? हाँ खोला तो जाना चाहिए लेकिन जब तक वैक्सीन ना लगे और सावधानी ना हो जब तक नहीं सावधानी के हिसाब से खोला जाना चाहिए। वही हमारे साथ और भी लोग जानेंगे क्या स्कूलों को लेकर क्या रहेगा, ये प्रिकॉशन के साथ खोलना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार जो है और अपनी जो जितनी भी सारी व्यवस्था है उनको देखते हुए उनको खोलने लगी और तमाम जो गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए आपके हिसाब से पहले स्कूल खोले जाने चाहिए। तो तमाम तरह की जो राय है जो परिवार है बता रहे हैं कि जो गाइडलाइन है के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मिलूंगा बड़ी खबरों के साथ, आप देखते रहिए।